हज़रत फौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया और एक बहादुर जंगजू खातून जिन्होंने बाइज़ेंटाइन अम्पायर के खिलाफ लड़ी जाने वाली मुसलमानों की मुख्तलिफ जंगों में अपनी बेमिसाल दलेरी और बहादुरी के साथ अहम किरदार अदा किए। एक ऐसी खातून जिनका जिक्र आम तौर पर हमें सुनने को नहीं मिलता या फिर बहुत कम मिलता है। चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं इन्हीं अनप्रेसिडेंटेड जुर्रत की मालिक खातून के बारे में इसी वीडियो में। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पूरा नाम फौला बिनते अल-अज़वर था, जो कि बनी असद कबीले के सरदारों में से एक की बेटी थी। आपके खानदान ने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में इस्लाम कबूल किया और एक रवायत के मुताबिक आपके भाई हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने ग़ज़वा खंदक या जिसे ग़ज़वा अहज़ाब या बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं के बाद इस्लाम कबूल किया। आपके भाई हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हों भी एक बहादुर जंगजू थे और हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का शुमार अपने कबीले के बेहतरीन घोड़सवारों और शायरों में होता था। हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हों अपनी बहन हज़रत फौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। इसी अटैचमेंट की वजह से हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने हज़रत फौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को जंग की तमाम स्किल्स की तरबियत दी। इसी वजह से हज़रत फौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बेहतरीन तलवारबाज, नेज़ाबाज और घोड़सवार थी। अपनी जंगी सलाहियतों से हट कर हज़रत फौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खूबसूरत खातून थी। बाइज़ेंटाइन एम्पायर के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग अजना दीन से पहले हज़रत फौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही नामालूम थी। इस लड़ाई से पहले जंगों में वो मुजाहिदीन को मेडिकल एड्स प्रोवाइड करने के लिए शमूलियत इख्तियार करती थी, जिनके साथ दूसरी ख़वातीन का भी एक ग्रोह होता। अजना दीन जो कि यरूशलम के बहुत करीब है, यहाँ लड़े जाने वाली जंग में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कर रहे थे। इसी मुसलमानों के फ़ौज के एक दस्ते की क़यादत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कर रहे थे और हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दस्ता जंग में पेशकदमी कर रहा था। इसी लड़ाई के दौरान हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नेज़ा हाथ से गिरा और वह ज़ख्मी होकर घोड़े से गिर पड़े। इसी तरह बाइज़ेंटाइन सिपाहियों ने उनको कैदी बना दिया। इस बात की खबर जब पीछे मौजूद लश्कर तक पहुँची तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक दस्ते की हिकमत अमली तैयार करनी शुरू की। इतने में से एक घोड़सवार बिजली की सी रफ्तार से मुसलमान लश्कर में से निकला और बाइज़ेंटाइन लश्कर की तरह तीर की तरह बढ़ने लगा और जिसने भी उस घोड़सवार को रास्ते में रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी तलवार को महारत के साथ इस्तेमाल किया। मुसलमान मुजाहिद और हज़रत खालिद बिन वलीद खुद बड़ी मोतरफ नज़रों से इस जंगजू को लड़ता हुआ देख रहे थे, जो कि अचानक दुश्मन के सिपाहियों में गायब हो जाता और कुछ देर बाद नमूदार होता और उसके नेजे से खून टपक रहा होता और इस तरह वो बार बार करता। इसी को देखते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुछ घोड़सवारों के साथ इस बहादुर की मदद के लिए पीछा किया। अरब मुअर्रख अल-वकीदी ने अपनी किताब शाम की फतह में बयान किया, राफे बिन उमैरा जो कि उन जंगजुओं में शामिल थे जो हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दस्ता था, ने रवायत किया जिस तरह से वह घोड़सवार दुश्मनों की सफ़ों पर हमलावर हो रहा था, हमने और हमारे साथियों ने समझा कि इतनी बेखौफी से लड़ने वाला जंगजू हज़रत खालिद बिन वलीद हैं और हम उनकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे कि इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़सवारों के साथ नमूदार हुए तो हम सब ने हैरानगी का इजहार किया और ये जंगजू कौन है, खुदा की कसम इसे अपनी हिफाजत का कोई ख्याल नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, वो इस शख्स को नहीं जानते और उन्होंने उसकी हिम्मत की बहुत तारीफ की। रूमी बिलाखिर जंग हार गए और फरार हो गए। बहुत से लोग मैदान जंग में हलाक हुए और ज़ख्मी भी हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस घोड़सवार को ढूंढा, तब तक वो दुश्मन के खून में लथपथ हो चुका था। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस घोड़सवार की बहादुरी की तारीफ की और उसे पर्दा हटाने को कहा, लेकिन घोड़सवार ने कोई जवाब न दिया और वहाँ से भागने की कोशिश की। हज़रत खालिद बिन वलीद के फौजियों ने उसे घेरा और जाने से रोक लिया और सब ने उसे अपनी शनाख्त जाहिर करने को कहा। और जब उस घोड़सवार ने यह देखा कि उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं तो उन्होंने एक नस्वानी आवाज़ में जवाब दिया कि मैं जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि मैं शर्मा रही थी। आप एक अजीम जंगजू और लीडर हैं, मैं सिर्फ एक औरत हूँ जिसका दिल इस वक्त जल रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और उस जंगजू ने जवाब दिया, मैं फौला बिनते अज़वर हूँ। मैं फ़ौज के साथ ख़वातीन में थी जब मुझे मालूम हुआ कि दुश्मन ने मेरे भाई को पकड़ लिया, जिसकी वजह से मुझे वो करना पड़ा जो मैंने किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन एक रास्ता तैयार किया और फरार होने वाले फौजियों का पीछा करने का हुक्म दिया और उस दस्ते की क्यादत
हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो कर रही थी और वो इस चेज़ के दौरान अपने भाई को हर तरफ ढूंढ रही थी और इस दौरान ज़्यादातर रूमी फौजी मारे गए। मुसलसल और कता देने वाला पीछा करने के बाद वो एक रोमन दस्ते को पकड़ने में कामयाब हो गए जो कि कैदियों को हेडक्वार्टर लेके जा रहा था और उनके दरमियान एक और लड़ाई हुई और सब बाज़ंतीनी महाफिज मारे गए और इस तरह से कैदियों को बचा लिया गया। और इस वाक़े के बाद हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो बाकायदा दूसरे मुजाहिद मर्दों के साथ जंग में शामिल होती। यही अजनदीन की एक और लड़ाई में हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो का नेज़ा टूट गया और वह अपने घोड़े से नीचे गिर गई। उनको खुद को भी कैदी बना लिया गया और इस कैद के दौरान उनको इलम हुआ कि बाइज़ेंटाइन फौजियों ने ख़वातीन के कैंप पर हमला किया और उनमें से कई ख़वातीन को पकड़कर कैदी कर लिया। और इन बाइज़ेंटाइन फौजियों का लीडर जो कि हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो की खूबसूरती से बहुत तायब हुआ, उसने हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो को अपने खेमे में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। और यह देखकर हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो बहुत गुस्से में आए और उन्होंने मज़ामत का फैसला किया। इस तरह उन्होंने कैद खाने के खेमों के खम्भों को अखेड़ा और रूमी मुहाफ़िज़ों पर हमला कर दिया और एक तंग दायरा बनाकर लड़ाई शुरू कर दी, जैसा कि हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो ने दूसरी ख़वातीन को बताया था। और इस हमले की क़यादत खुद हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो कर रही थी। इंतहाई जुरत और बहादुरी के साथ लड़ने के बाद हज़रत फौला रजी अल्लाह ताला अनहो और दूसरी ख़वातीन ने लगभग 30 बाइज़ेंटाइनी कैंप गार्ड्स को मार डाला और फरार होने में कामयाब हो गई। आप रजी अल्लाह ताला अनहो किसी भी तरह से हिम्मत, अज़म, जुरत, बहादुरी, दिलेरी और इस्तकामत में किसी भी जंगजू मत से कम ना थी। आपके नॉलेज को अगर हमारी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे दूसरों को शेयर करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।